खत्म करो, ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 चंचला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार। सरपंचों का ई ट्रेंडिंग को लेकर धरना आज 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। हम खड़े हैं बीडीओ ऑफिस के कार्यालय में और आज अजीबोगरीब हमने अफसाना देखा है। यहाँ इन्होंने भंडारा लगा रखा है और मालपूड़े भी बनाए हुए हैं उसके अंदर। कल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला भी यहाँ फूका गया था। जानेंगे कि 10 दिन से लगातार ये धरने पर बैठे हैं, सरकार के कानों पे जू रेंगी है या नहीं रेंगी है, हम सरपंच साहिबान से भी जानेंगे। सीधे सीधे जुड़ता हूँ मैं सरपंच साहब से। क्या नाम है सर आपका? मेरा है नरसिंह रूप संजय, गांव कुवारी से, आसी फेस्ट प्रधान, ब्लॉक से प्रधान। ये लगातार 10 दिन से आप धरना प्रदर्शन पे हैं, एफिजीज भी आपने फूक डाला है, उनका पुतला भी फूक डाला है। क्या सरकार किसी भी टेबल टू टेबल बार्गेनिंग पे आई है आपके साथ? क्या हमारे को कोई मैसेज मिला सरकार को, हम उनसे जरूर बात करेंगे। और हमारा धरना प्रदर्शन जब तक हमारी जायज मांग है इसको सरकार नहीं मानेगी, तो हम हमारा धरना ये जारी रखेंगे। और ई टेंडरिंग के खिलाफ हमारा धरना जारी है। 15 तारीख को हम टवाणा में जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट के सरपंच सारे इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम आगे के। ये स्टेट वाइड धरना है ना आपका? 15 तारीख को टवाणा में पूरे सरपंच कर रहे हैं, पूरे हाँ पूरे स्टेट का, पूरे हरियाणा मैं जानूंगा टवाणा में। सर बताइए ना सर, सरकार ने अभी अपना नाम, मैं सुरेश प्रतिनिधि सरपंच डाणी ठाकरिया से, और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं। सरकार ने अभी तक हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं भेजा है और ना हमारे पास कोई संदेश आया है। तो हम लगातार आज हमारा यहाँ 11वां दिन है धरना का, ब्लॉक फर्स्ट के अंदर 10वां दिन है और ये हमारा धरना जारी है और ये आगे चलता रहेगा। कल हमारा 15 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, वहाँ अपने टवाणा में जाने, टवाणा में देवेंद्र बबली जी के आवास का घेराव करेंगे आप? यही घेराव नहीं करेंगे जी, हमारा खुद का अपना वहाँ प्रदर्शन है, सभी पूरे हरियाणा के सरपंचों का, हर ब्लॉक लेवल पर जाएगा, सभी सरपंच जितने हरियाणा के सारे तमाम सरपंच वहाँ पूछेंगे और वहाँ विरोध करेंगे बबली का। और ये बबली ने जो अपनी ये हमारी जो है खत्म करी 20 लाख की लिमिट, इसका विरोध करेंगे पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे होकर। मैं जानूंगा श्याम खांडा जी से, जो सरपंच है दयाल सिंह कॉलोनी के। मैं तो आज चक्कर में पड़ गया था कि आप मालपुड़े बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मांग मान ली होगी? नहीं, मालपुड़े तो नहीं, त्यौहार के उपलक्ष्य में बना दिए थे, क्योंकि सभी सरपंच साहिबानों को मीठा मुँह यहीं से कर लो पहले। अच्छा, बात यह है कि जो हमारा मेन मकसद तो है कि सरकार को मनाना 20 लाख के लिए, यदि सरकार नहीं मानी, नहीं 15 तारीख को हमारा घेराव है टवाणा के अंदर, 16 तारीख को हम ब्लॉक वाइज ताले लगा देंगे और बाहर बैठ जाएंगे, किसी भी कर्मचारी को अंदर घुसने नहीं देंगे। प्रदीप जी बड़े यंग है, युवा हैं, और मैं तो सोच रहा था सीधे यूनिवर्सिटी से आए हैं, लगते हैं बड़े स्मार्ट। बताइए आप बड़े जुझारू रूप से बाइट देते हैं कि सरकार 10 दिन में नहीं चेती, और कितना चेतवाना चाहते हैं सरकार को? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी ना, जब तक चेतावनी देते रहेंगे, और चेतावनी चेतावनी नहीं है। 15 तारीख को हम जा रहे हैं अपने टवाणा में, दल बल के साथ जा रहे हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि शायद सरकार को समझ आ जाएगी और मान जाएगी, और मान नहीं माननी तो हम मनवाने की पूरी कोशिश करांगे। और जो ये बोल रहे हैं हमारे को भाई चले हुए कारतूस हैं, वो 15 तारीख के बाद देखना बम है या कारतूस है। आपका पद तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, संवैधानिक होता है, कि ये मैं गांधी जी ने भी यही कहा था भी असली भारत तो ग्रामीण आंचल में बसता है। गांधी जी ने तो कहा था, गांधी जी तो गए भगवान के पास कह के, ये कोई मान तो कौन रहा, इन सरपंच सरपंच कौन मान रहा, छोटी सरकार हूँ बोलने की छोटी सरकार रहेगी। आज 2 महीने करीब हो गए हमारे को बने हुए सरपंच, मैं घर से आंसी और आंसी से घर 2 बार 4 बार गली के अंदर गांव के अंदर गया होगा, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारी माता और मेरी बहनें हैं या मेरे पिता के समान बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता ई टेंडरिंग होती क्या है। ऐसा क्यों किया? क्या भी क्या आप लोगों को ऊपर यानी कि कोई बेईमानी के आरोप लगते हैं, या बेईमान समझती है सरकार की भी इनको? अगर 20 लाख की पावर दे दी गई तो सब कुछ खा जाओगे आप? एक बात बताओ, मैं तो इस ई टेंडरिंग को भ्रष्टाचार का दूसरा नाम दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार है ये।
अगर सरपंच कोई भी काम करवाएगा अपने गांव में तो कोई भी चाचा है ताऊ हो उसको कहने आएगा बेटा या ईंट कम लगे है या बेकार लगे या सीमेंट कम लगे है उससे हम बढ़िया लगाएंगे। और जो ई टेंडरिंग का जो सरकार का नुमाइंदा लगाने के लिए आएगा, क्योंकि जो टेंडर होंगे वो सरकार का नुमाइंदा ही लेगा। प्रदीप जी, मुझे आप अल्टीमेट आपका बता दीजिए कि भी क्या है कि भी अगर 15 तारीख को वहाँ भी नहीं चेती सरकार तो फिर क्या कर देंगे आप? 15 तारीख को वहाँ नहीं चेती तो सबसे पहले तो हम हमारा हंसी का ब्लॉक को लॉक करेंगे। अच्छा। उसके बाद जो हमारे बड़ी दया भी आती बीजेपी सरकार के ऊपर, क्योंकि कुछ एमएलए मंत्री हमारे हैं जो हमारी बातें भी रखी है उन्होंने और हमारी सपोर्ट। देखते रहिए किस तरह सरपंचों ने धरना पर मालपुड़े का आयोजन किया है, भंडारा का आयोजन किया। थैंक यू।